हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम रोहित और आप देख रहे हैं आरकिलो। सो गाइस, आज मैं कुछ नया लेके आ रखा हूँ, जैसा कि मैं आपको भी दिखाता हूँ। जो कि ये देखिए दोस्तों, मेरे पास दो दो साइकिलें हैं। इन दोनों साइकिलों को मैं आपस में जोड़ दूंगा, उसके बाद दोस्तों हम इसको चलाएंगे, चलाकर देखेंगे और देखते हैं हम इसको चलाने के बाद कैसी फीलिंग आती है और लोग इसको देखेंगे, लोग कैसा फील करेंगे, साइकिल थोड़ी अलग सी दिखेगी। सो गाइस यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। हाँ तो दोस्तों यार, हम इसका ये वाला पहिया खोल रहे हैं, व्हाइट वाली साइकिल का। अगर हमने अपनी पूरी साइकिल बना ली है, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा हमारी साइकिल कैसी दिखने के बाद बन रखी है। और हाँ दोस्तों, इस पर कई बंदों का रिएक्शन आएगा, इतना गंदा आएगा, बंदे इसको पीछे मुड़ मुड़ के रास्ते में देख रहे हैं और बंदों को ना कुछ अलग ही दिखने में लग रहा है। और हाँ दोस्तों यार, इसको हम चला के देखते हैं, इसको चला के कैसा लग रहा है, कोई हमें मतलब परेशानी तो नहीं और इसको चलाने में। तो दोस्तों चलाते हैं साइकिल। हाँ तो गाइस, ये सिंगल तो एक बंदे से तो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। इसमें कुछ हल्का ना भार ना कुछ लग नहीं रहा है, बस हल्का फुल्का सा पीछे से बैलेंस थोड़ा मतलब बिगड़ सा रहा है। अब इसको हम दो बंदे के साथ चला के देखते हैं और ये कैसी चलती है।
यार ये साइकिल चलाने में हमें बहुत ज्यादा मजा आया है। और जहाँ तक है ये साइकिल अगर आप चला रहे हो या अपने घर पे ट्राई कर रहे हो इस चीज़ को, दो साइकिलें जोड़ के चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो दोस्तों क्या नाम ना इसको खुली जगह पे चलाना, ट्रैफिक वाले रास्तों पे मत चलाना, वरना आपका इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है और चोट भी ज़्यादा लग सकती है। और जहाँ तक है अगर ये आप सीधी मतलब किसी मोड़ वाले रास्ते पर चलाओगे तो सीधी नहीं चलेगी साइकिल, अगर सीधे रास्ते पर चलाओगे तो सीधी बिल्कुल चलेगी। और जहाँ तक ये थोड़ी स्पीड के बाद तब अपने आप ये बैलेंस पकड़ लेती है, अगर स्लो साइकिल होगी तो डिसबैलेंस हो जाती है, हम इससे इस पर गिर भी सकते हैं। और जहाँ तक है दोस्तों अभी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को कमेंट करके बताना दोस्तों आपको ये साइकिल कैसी लगी। ओके दोस्तों, जय हिंद।